हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आहार बैलेंस। एंड टुडे माय टॉपिक इज़ माइंडफुल ईटिंग एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। एंड डेफिनेटली हमें माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए सो डैट हमें फ्लेवर्स, टेस्ट और सब कुछ पता होना चाहिए अपने फूड का। सो माइंडफुल ईटिंग है क्या? ये हमारे को सेल्फ काम रखता है एंड हमारे फूड बिहेवियर को चेंज करता है। बेसिकली माइंडफुल जो ईटिंग है, इट्स मीन्स कि हम अपने फूड को प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं एंड व्हाट इट्स बेनिफिट्स एंड इसके कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं एंड हमारा रिलेशनशिप कैसा है विद द फूड। एंड यस, उस हमारी अवेयरनेस भी बढ़ाता है विद द फूड कि कौन सा फूड किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिट्स है, बेनिफिट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है एंड किसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी फूड चॉइसेस को मैनेज करना चाहिए। तो डैट इज़ लाइक माइंडफुल ईटिंग। नाउ लेट्स विद द बेनिफिट्स। सो इसके भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, लाइक आपके फूड चॉइस में आपको लाइक हेल्प कर सकते हैं, आपके हंगर को कम करने में, आपकी क्रेविंग्स को कम करने में। अवेयरनेस बढ़ाता है, हंगर को कम करता है एंड ये हमारा जो माइंडफुल ईटिंग हमें ये भी बताता है कि हमारी बॉडी को कितने फूड की नीड है और कितना हमें खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए। अगर हम इमोशनल ईटर हैं, स्ट्रेस ईटर है, तो डेफिनेटली उसमें भी माइंडफुल ईटिंग बहुत हेल्प करता है। इवन हमारे को इसका बेनिफिट ये है कि अगर हम अपनी फुल अटेंशन देते हैं फूड को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बिंज ईटिंग को एंड ओवर ईटिंग से बचाता है। एंड जैसे कि हमारे को आदत होती है स्नैकिंग करने की, तो डेफिनेटली अगर हम माइंडफुल होकर ईट करेंगे कि हमें किस टाइम पे क्या ईट करना चाहिए और कौन से फूड ऑप्ट करने चाहिए, तो डेफिनेटली वो हैबिट भी हमारी हट जा सकती है, रिप्लेस हो सकती है कि हमें उसकी बेस्ट चॉइसेस ऑफ फूड हमें पता चलता है। एंड येस, ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, बिकॉज हमारा अगर हम कोई भी फूड खा रहे हैं और हमारा फोकस फूड पर है तो डेफिनेटली हमारे को जो है रिलैक्स मूड मिलता है एंड हम अगर रिलैक्स होकर खाना खाते हैं तो वही खाना हमें हेल्पफुल भी होता है। माइंडफुल ईटिंग इट्स लाइक कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है। अगर हम बिफोर बेड टाइम 2 to 3 hours बिफोर खाना खा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कोई डाइजेशन इश्यूज फेस नहीं करने को मिलेंगे एंड हमारा गट हेल्थ भी इम्प्रूव रहेगा। सो लाइक आपको समझ में आया होगा कितने सारे बेनिफिट्स हैं माइंडफुल ईटिंग के। एज़ यू सी माई पिक्चर ऑल्सो, तो देखो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। बेस्ट फूड चॉइस मिल सकती है हमें, सस्टेनेबल डाइट मिल सकता है, हम इमोशनल और स्ट्रेस ईटिंग से बच सकते हैं, ज़्यादा हमें डाइटिंग करने की नीड नहीं है। तो ये भी बेनिफिट्स हैं। हमेशा बैठे तब हमेशा ब्रीद करना चाहिए, अपने हंगर और फुलनेस को समझना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। ऐसे नहीं हम मोबाइल देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं तब हम खा रहे हों। इन्जॉय हमें अपने फूड को अदर्स के साथ में भी इन्जॉय करना चाहिए, अपने ऑल सेंसेस को एंगेज करना चाहिए एंड जब हम खाएँ तो पॉजिटिव एनवायरमेंट होना चाहिए। एंड येस, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। कीप सपोर्ट मी गाइज एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर रीड करना, उसमें मेरे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। इंस्टा और लाइक फेसबुक पर आईडी है मेरी, और प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर एंड येस कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।